सत श्री अकाल, की हाल चाल? ठीक ठाक हो सारे? नवे ब्लॉग ते नवी वीडियो स्वागत है तुहाडा सारिआं दा। ते जी आपां मुकसर तो रात नूं रुके सीगे जी, उत्थे मुकसर तो अगे रिश्तेदारी ते किते, ते हुण आपां आ गए जी कोटकपुरा। ते कोटकपुरे दे मार्केट भी आपां कर लईए, ते इस समय आपां गुरुद्वारे खड़े हांगे जी। इह गुरुद्वारा पुरातन समें दा जी, ते इतिहासिक गुरुद्वारा है। तुसीं देख सकदे हो इहदी जो डिजाइनिंग है, ओह पुराने समें दी डिजाइनिंग कीती गई है। ते जो कि इत्थों दे राजा होए ने, तो उहदे तरफों इहदी डिजाइनिंग की गई। तो काफ़ी तुसीं देख सकते हो सारी डिजाइनिंग जो हैगी वह पुराने ही समय की हैगी। तो हुण इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए सीगे, तो इहदा इतिहास भी बार वैसे कितने लिखिया नहीं है, पर इहदा इतिहास पता करके तो फिर मैं तुहानूं दसदा। तो इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के शस्त्र भी पए ने, सारे अंदर पए ने जी। तो कोटकपुरा के एक होर गुरुद्वारा हैगा जी, वह पहले साइड है। तो चुल्हा साहब गुरुद्वारे का नाँ दसिया जा रहा, उत्थे मैं गया नहीं हाली, पर मैंने किसी ने दसिया कि उत्थे भी गुरुद्वारा इतिहासिक है। तो उत्थे भी चल के पता करने हैं जी उत्थों का की इतिहास है। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखियो। तो माफ़ी चाहते हैं जी गुरुद्वारे का इतिहास दसन लग्या, क्योंकि इहदे इतिहास मैं पूरा पता नहीं है, तो मैं एवें कुछ दस भी नहीं सकता गुरुद्वारे के बारे। तो गुरुद्वारा काफ़ी वधिया बना है, इहदा पूरा इतिहास तुहानू दैनिक सवेरा यूट्यूब चैनल है, तो उत्थे तुहानू मिल जाएगा। तो इस गुरुद्वारे का तुसी जो सर्च करोगे तो पहले नंबर पर वीडियो शो होगी, तो उत्थे सारा इतिहास जान सकते हो। इन्ना पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की चरण छो प्राप्त है, तो इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्र सारे पए ने। तो पूरी वीडियो तुसी आनंद चैनल पर जाके देख सकते हो। तो पुराने समय का गुरुद्वारा बनया हुआ है जी, तो काफ़ी वधिया गुरुद्वारा है। तो बाकी तो इस गुरुद्वारे का हाली काम चल रहा, तुसी देख सकते हो। हुण तुहानू दिखाने जी गुरुद्वारे का काम चल रहा जी, दोबारा रिपेयर हो रहा गुरुद्वारा साहब। तो ये देखो जी काम चल रहा जी, असी पूरी कोशिश करते हैं जी किसी गुरुद्वारे इतिहासिक इतिहास के बारे दसण की कोशिश पूरी करने, जिन्ना को सानू पता उन्ना उन्ना को दसते हैं। तो अचानक ही गुरुद्वारे के मैनू दर्शन होए, तो मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकिया, तो ना ही पूरा इहदा इतिहास जाण सकिया। तो बाकी तुहानू गुरुद्वारे के मैं दर्शन जरूर करा रहा, तुसी देख सकते हो। तो इहदा इतिहास पूरा जाणन लई ते नांदे दैनिक सवेरा यूट्यूब चैनल ते सर्च करो, तो तुहानू वीडियो मिल जाएगी। तो मैं पहली बारी कोटकपुरे आया, तो मैनू पहली बारी गुरुद्वारे दर्शन होए, तो इस करके मैं फिर तुहानू इतिहास नहीं दस सकता पूरा। तो गुरुद्वारे साहब हाली भी काम चल रहा, तो तुहानू दिखाने काम भी चल रहा इत्थे गुरुद्वारे का थोड़ा। तो बाकी फरीदकोट आपां अगले ब्लॉग में जावांगे, तो वह भी ब्लॉग तुसीं जरूर देखना। तो इस ब्लॉग नूं आपां इत्थे ही एंड करदे हां जी। तो इत्थे शस्त्र पए ने जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के, इत्थे पालकी साहब के। तो बाकी दर्शन करो तुसी अंदर दे। तो है जी अंदर का जी, तो इधर गेट भी है जी, वड्डा गेट मेन गेट इस साइड ते है जी। तो इत्थों फरीदकोट आएगा जी 15 किलोमीटर, तो उत्थे भी हुण आपां जावांगे गा, तो उत्थे तुहानूं दिखावांगे कोई इतिहासिक जगह या कोई मार्केट दिखावांगे। तो हुण पहलां तुहानूं इहदे दर्शन करा दईए, तो बाकी इतिहास दस दईए। हाँ देख सकते हो तुसी। तो हाँ जी आप गुरुद्वारा चुल्हा साहब आए थे, तो चुल्हा साहब गुरुद्वारे आए सी, तो इत्थे एक मुंडा वीडियो बना रहा सी, तो बाबा जी उस मुंडे नूं मना करन लगे, तो इस करके मैं भी वीडियो अपना रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो मना कर सकते तो सानू भी मना कर सकते। तो इत्थों का इतिहास तुसी पढ़ ही सकते हो। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिंघां दा लंगर तैयार किया सी, ते आप भी छकिया ते नानू भी छकाया। बाकी तुसी इतिहास पढ़ सकते हो, वीडियो नूं रोक के भी इतिहास पढ़ सकते हो। तो माफ़ी चाहते हैं जी दोवें गुरुद्वारों का पूरी तरह इतिहास। तो माफ़ी चाहते हैं जी इस गुरुद्वारे के तुहानू दर्शन असीं पूरी तरह नहीं करवा सके, तो इतिहास तुहाडे सामने है जी। तो बाकी दूजे गुरुद्वारे के तुसी दर्शन कर लिया, तो उहदा इतिहास पूरा जानने लई तुहानू वीडियो तुसी सर्च कर लियो जी, दसवीं पातशाही कोटकपुरा के नाँ ते, तुहानू वीडियो मिल जाएगी, तो इतिहास तुसी जाण सकदे हो जी। तो वीडियो किदां दी लगी कमेंट करके जरूर दस्यो, जिन्ना कुछ सानू पता सी दस्या। तो कोई भी गलती भुल्लां होईआं हुण ते माफ़ करियो जी। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। तो इस ब्लॉग नूं आपां इत्थे ही एंड करदे हां, ते साडे नैक्सट ब्लॉग जरूर देखियो फरीदकोट दा, ते बाकी साडे पिछले ब्लॉग भी तुसी देख सकदे हो।